अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आए हैं फिर से क्वेश्चन एंड आंसर्स के ब्लॉग लेकर। तो अभी वापस से हम हमारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस रीड करेंगे और उनको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है जो कि हमने इसके पहले भी बता दिया है, फिर भी बहुत से लोग वही क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फरा, आप ईद को बीजापुर क्यों नहीं गए? अच्छा, ईद को बीजापुर क्यों नहीं गए, इसके ऊपर तो हमने बनाया है वीडियो, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि समीर को छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक्चुअली उनको बहुत कम टाइम पीरियड के लिए छुट्टी मिल रही थी, जैसे कि 5 डेज के लिए सिर्फ मिल रही थी। तो जाना मुनासिब नहीं है, जाएंगे कब आएंगे कब, इसके लिए हम लोग गए ही नहीं। हमने सोचा कि जब जाने वाले हैं तो थोड़े दिन कैसे रहने भी चाहिए ना वहाँ पे, इसके लिए हमने सोचा कि पूरा सब जाके वहाँ होने दो, फिर जैसे इनको छुट्टी अच्छे से इनका एप्लीकेशन वगैरह दे के थोड़ा छुट्टी लंबी टाइम पीरियड तक मिलेंगी, तो फिर हम आराम से जाएंगे और 8-15 दिन रहकर आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, समीर भाई आपका यूट्यूब चैनल खोलने का इंस्पिरेशन कैसे मिला या किससे मिला? अच्छा, तो यूट्यूब चैनल खोलने का ये तो समीर भाई को क्वेश्चन, तो समीर भाई ही बताए। नहीं, जवाब आप दीजिए, क्वेश्चन तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो यूट्यूब का एक्चुअली कैसा था, मुझे इंस्टाग्राम पे हम लोग जैसे वीडियोस बनाते थे तो कोई थे, मुझे उनका आईडी याद नहीं अभी नाम क्या था, उन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज किया था कि आप व्लॉगिंग करो, आप व्लॉग्स बनाओ। तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि एक्चुअली होता क्या है व्लॉग, तो मैंने समीर को बताया, समीर ने बताया कि मुझे भी नहीं पता, हम लोग दोनों को कुछ आइडिया ही नहीं था कि व्लॉग्स होते क्या है। सो हम लोग ने फिर क्या किए, यूट्यूब पे सर्च किए सब ये वो, फिर हम बोले कैसे शेयर करेंगे हम डेली रूटीन ऐसे वैसे, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन एक बोलते ना उनके जरिया ही हमको मिला। और हमने फिर देखे इनके उनके वीडियोस देखे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इंस्पिरेशन मिला है शोएब इब्राहिम से, उनके वीडियोस हम पहले से देखते थे और हमको वो बहुत पसंद है और अभी भी हम उनको फॉलो करते हैं, उनके वीडियोस भी देखते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो थर्ड क्वेश्चन है, आप दोनों में से कौन ज़्यादा सेविंग करता है? वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला आपने, हम दोनों में से ज़्यादा सेविंग तो फरा ही करते हैं। वो ज्यादा सेविंग करते हैं, मैं ही बार बार बोलता हूँ चलो यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, ये शॉपिंग करेंगे वो शॉपिंग करेंगे, वो बोलते हैं नहीं थोड़ी सेविंग भी करेंगे, कभी काम आता है सेविंग भी, तो मैं बोलता हूँ अरे रहने दो, आज है कल नहीं है, फिर ऐसे मौका मिलेगा नहीं, फिर भी सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कब कोई चीज की जरूरत पड़ जाए वो बोल नहीं सकते। और पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो तो लगता ही है, इसके लिए हमेशा आप लोग भी सेविंग करते जाओ, मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि सेविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। खर्चा करो, ऐसा नहीं है कि आप दिल में रख रख के ऐसे ही मतलब ये करो, अपनी हर ख्वाहिशात पूरी करो, लेकिन थोड़ा पीछे भी रखो कि ऐसा वक्त ना आए कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, अल्लाह करे ऐसा वक्त किसी का भी ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नगर और शेरगांव को कब आ रहे हैं? अच्छा, हम लोग नगर और शेरगांव को इंशाल्लाह हम आने वाले हैं 1 अगस्त को, और वो क्यों आने वाले हैं आप लोगों को हमने वो बता दिए हैं पेज, कल ही हमने उसका एक ब्लॉग भी अपलोड किया है। हाँ। जो हम गए थे शॉपिंग को, तो एक बर्थडे है तो हम आ रहे हैं, नगर और शेरगांव दोनों जगह जाएंगे है ना इंशाल्लाह। हाँ, मगर हमको ज्यादा टाइम तो नहीं है रहने के लिए, लेकिन हम आके जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी जो भी वहाँ से हमको देखते हैं, हमको इतना प्यार देते हैं, बोलते हैं हमको आओ आओ, इंशाल्लाह हम लोग जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीजापुर कब जाने वाले हो, फाइनल डेट बताओ? अरे क्यों, डेट तो ऐसी हमारी कंफर्म नहीं है कि फाइनल हाँ इसी डेट पे हम जाने वाले हैं, पहले तो हम नगर जाने वाले हैं, नगर से आने के बाद 2 या 3 दिन के बाद हम बीजापुर जाने वाले हैं, और आई थिंक इस बार फरा का बर्थडे भी वहीं पे मनाएंगे हम, फर्स्ट टाइम फरा का बर्थडे हो रहा है बीजापुर में, देखते कैसा करते हैं वहाँ पर। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 ना? नहीं मैंने नहीं गिने। अच्छा, मैंने भी नहीं ना, तो चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सिल्वर प्ले बटन कब आ रहा है और आप उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हो ना? हाँ, ऑब्वियसली हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बहुत जल्द आपकी दुआओं से हमको वो भी मिल जाएगा।
हाँ बहुत बस जल्द दुआ करेंगे जल्दी से मिले, जल्दी से आए क्योंकि हम भी दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं, सब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो एक हमारी भी मेहनत है और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो हम भी बहुत वेट कर रहे हैं वो जल्दी से आए हम उसको देखे और उसका भी ब्लॉग अनबॉक्सिंग का ब्लॉग आप लोगों से शेयर करें, इंशाल्लाह जरूर हम शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फरा दीदी, आप अपने डाइट के बारे में कुछ बताइए। डाइट के बारे में तो इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो मेरे डाइट के ऊपर ही रहेगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। और डाइट का जो वीडियो होगा या तो फिर फरा के चैनल पे मिलेगा या तो इसी चैनल पे मिलेगा, और बहुत जल्दी वो अपना डाइट जो है पूरा मॉर्निंग रूटीन नाइट रूटीन मतलब जो भी है पूरा पूरा डे का मैं बताऊंगी, नाइट तक मैं क्या खाती हूँ, पूरे सोने तक, सुबह से उठ के सोने तक इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ वो बनाने की, लेकिन क्या होता है ना बीच बीच में हमको अभी जैसे कि बहुत काम है या कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं तो हमको बाहर जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, उसके वजह से मुझे शूट करने हो रहा ही नहीं है, और वो जो रूटीन होता है ना तो उसके लिए दिन भर घर में रहना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं शूट कर सकूंगी, तो इंशाल्लाह मैं करूंगी। ये मंथ का जो हमारा शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी चल रहा है, मैं भी ऑफिस को जा रहा हूँ फिर वहाँ से मुझे आना पड़ता है जल्दी क्योंकि 4 बजे सभी बंद होता है, मिलता नहीं, फिर हमें बाहर भी जाना रहता है, शॉपिंग भी करना रहता है, तो इस मंथ तो हम बहुत ही बिजी है, फिर भी उस बिजी टाइम में हम आप लोगों के लिए टाइम निकल के ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फरा दीदी, आपने एंगेजमेंट में आपके भाभी को बताया ही नहीं, कैसा रहता है नए नवेली दुल्हन रहते हैं जो भी होते हैं तो उनको है ना बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो मेरे भाभी वैसे ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसके लिए मैं उनकी एंट्री बहुत स्पेशल तरीके से इंशाल्लाह दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि अभी एंगेजमेंट में वो बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे ना, इसके लिए मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उनको बताऊंगी और नजर लग जाएंगी, ऐसे वैसे बहुत लोगों ने मेरे माइंड में डाला तो ठीक है मैंने बोली ठीक है, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी, अभी तो वो अपने घर में आने वाले हैं तब देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो पढ़ो ना आपके भाभी का नाम क्या है, अच्छा उसके पहले भी क्वेश्चन है फिर उसके बाद वो, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवेज और सैरिन वापस कब आ रहे हैं आपके पास में। अभी तो हमें अभी पता तो नहीं। गए हैं अभी तो जल्दी नहीं आने वाले, अभी तो हम ही मिलने वाले हैं उनसे, हाँ हम लोग ये ओवेस से भी मिलने वाले और सैरिन से भी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी हम उनसे भी मिलने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आप उनको ब्लॉग में हमारे देख सकते हो। हाँ और ये आज ये क्वेश्चन आया था, आपने आज ब्लॉग अपलोड किया है सारा का बर्थडे, सारा आपकी कौन लगती है फरा? सारा मेरी भतीजी लगती है, मेरे खाला के जो बेटा है वो मेरा भाई लगता है, तो उसकी बेटी है वो, तो सारा मेरी भतीजी लगती है और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। आप लोगों को पता ही नहीं ना सारा कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ, एंगेजमेंट का वीडियो देखो जाकर, उसमें व्हाइट कलर के फ्रॉक में जो बच्ची है वो सारा है, लेके उसको फोटो भी निकाला है। हाँ वही, हाँ। तो वो जो बच्ची है व्हाइट कलर के फ्रॉक में हमने जिसको लिया है वो ही सारा है, और उसका बर्थडे है 1 साल की होने वाली है अभी वो, तो उसके बर्थडे को भी बहुत सारे जन विश करेंगे मुझे तो पता है, लेकिन देखना मत भूलना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, और बहुत से लोग भी देखिए अभी मुझे कमेंट पे आते हैं, हम तो डेली ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं फिर भी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि कितने दिन हो गए आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो ऐसे क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ, आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया है लेकिन जो बेल आइकन रहता है उसको, जो नोटिफिकेशन है उसने आपको, उसको आपने अभी तक ऑन नहीं किया है, तो उस वजह से जो हमारा नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से जाइए, जिसने भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो नहीं किए तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कीजिए, जाइए सबसे पहले, फिर वो बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा न्यू वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फरा, आपके भाभी का नेम क्या है? मेरे भाभी का नाम है मुस्कान और पुणे के ही है वो, मुस्कान नाम है उनका, तो उनका नाम है मुस्कान भाभी। तो क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, और एक है जिन्होंने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि उनकी बेटी 4 इयर्स की है लड़की, जो हमारे ब्लॉग देखती है, हमारे वीडियोस देखती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उसका आपके ब्लॉग में एक नाम ले लो, तो फरा नाम ये है आहाना फातिमा कोतवाल। अच्छा
थैंक यू सो मच हना, आप हमारे वीडियोस देखते हो, हमको इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। तो ये खत्म हो गए क्वेश्चंस, और अभी हमने वो शोएब प्राइम के अब तक नहीं होता तो उसके लिए। हाँ, अभी रिसेंटली जैसे कि हमने आपको बताया कि हम शोएब इब्राहिम, दीपिका उन लोग को सबको फॉलो करते हैं, तो अभी रिसेंटली हमने उनकी स्टोरी पढ़े थे कल, मतलब तो हाँ। वो स्टोरी में उन्होंने उनके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है ऐसे बताया था, तो हमको बहुत बुरा लगा वो सुन के। तो हम लोग ने भी बहुत दुआ की है उनके लिए, तो आप लोग भी उनके अब्बा के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इकट्ठे होकर जल्दी से घर पर आ जाए। तो अल्लाह उनको एकदम अच्छे से सेहत दे और वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप लोग भी सब दुआ करना उनके लिए, दुआ कीजिए। तो चलिए, हो गए आज का ब्लॉग, ये छोटा सा ब्लॉग है हमारा। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब किया है उसको बहुत सारा थैंक यू, और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दो चैनल है, दोनों को जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।